और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मास्टर केपी। मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं मेथी वाली दाल बनाऊंगी जिसे मैंने मूंग के साथ बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथी वाली दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेथी ले लेंगे। मैंने पाव भर से कम मेथी ली थी, उसे अच्छे से तोड़कर वॉश करने के बाद बारीक काट ली है। मेथी काटने के बाद फ्रेंड्स, मैं एक बाउल में एक कटोरी मूंग की दाल ले लेती हूँ। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड्स, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो पहले इसे प्रेशर कुक कर ले फिर फ्राई करें, पर मैं आज डायरेक्ट फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 1 चम्मच राई, राई के बाद 1 चम्मच जीरा, 1/3 चम्मच हींग, जीरे के बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 कटी हुई प्याज। प्याज को थोड़ी देर चला लेंगे फ्रेंड्स, हल्की ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए लहसुन ऐड कर देती हूँ। इसे थोड़ी देर चलाएंगे। लहसुन डालने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। 2 छोटे टमाटर काट लिए थे मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे हल्के नरम हो चुके हैं थोड़े से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी के बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट तक। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें हमारी कटी हुई मेथी ऐड कर देंगे। मेथी को भी थोड़ी देर चलाएंगे। मेथी को चलाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल जो हमने वॉश करके रखी थी। मूंग दाल के बाद पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। पानी के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम कुकर लगा देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लो गैस पे 2 सीटी के बाद गैस ऑफ कर दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। मूंग की दाल जल्दी बन जाती है वैसे फ्रेंड्स। ये देखिए, दाल अच्छे से पक गई है। आप मेथी ज़्यादा डालना चाहो तो भी दाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके टेस्ट में दाल अच्छी लगती है। ऊपर से अब हमारी धनिया डाल देंगे फ्रेंड्स। आपको पतली दाल पसंद हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें। मैंने 4 ग्लास पानी ऐड करा था और अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मेथी मूंग दाल हमारी रेडी है फ्रेंड्स। आप चाहो तो ऊपर से घी का तड़का लगाकर भी इसे खा सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।